चीज़ें रजिस्टर होनी चाहिए, और अगर नहीं है तो हमें करनी पड़ेगी। तो इसी वजह से हम लोग गाँव आए थे। तो मैं आपको बता देता हूँ हम लोग जहाँ जा रहे हैं उस गाँव का नाम है। Hey guys, welcome back to my new vlog। आज है दोस्तों सैटरडे और अभी सुबह के बज रहे हैं 7 और थोड़ी देर पहले ही मैं उठा हूँ और आप देख सकते हो मेरे पीछे का नज़ारा पहाड़ों से घिरा हुआ है। अभी तो फ़िलहाल मैं और चाचा ही उठे हैं और सुमित भी उठा है। आज बहुत सारा काम करना है तो बेसिकली मैं गांव इसके लिए आया हूँ बिकॉज हमारे जितनी भी ज़मीनें हैं, क्योंकि अभी रोड आ रही है, बहुत सारी ज़मीनों का मुझे पता नहीं है, बहुत सारी ज़मीनें कट रही हैं और काफ़ी कुछ हो रहा है और मुझे कुछ आइडिया ही नहीं है इस चीज़ का। मम्मी को काफ़ी हद तक चीज़ें पता है और कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मम्मी को नहीं पता है, जिसकी वजह से हम लोग गांव आए हैं चेक करने के लिए कि सारी ज़मीनें प्रॉपर रजिस्टर्ड है कि नहीं। नाम पटवारी होते गांव में, पंचायत होते हैं, तो वो सारी चीज़ें रजिस्टर्ड होनी चाहिए और अगर नहीं है तो हमें करनी पड़ेगी। तो इसी वजह से हम लोग गांव आए थे। तो इतने दिनों से साइड बाय साइड तो काम चल रहा था, हम लोग चेक कर रहे थे। एक ज़मीन है जिसको लेके थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था, वो ज़मीन बेसिकली मेरे दादाजी के नाम पे चढ़ी नहीं है। तो ख़ास करके उसी काम के लिए हम लोग आए थे गांव और मोस्टली वो काम आधा आज हो जाएगा। आज सैटरडे है और हमें जाना है गुत्तू मार्केट। वहाँ पर एक पटवारी बैठते हैं, वहाँ पे चेक करना पड़ेगा प्रोसेस क्या है, और उसके बाद मेन प्रोसेस जो है वो घनसाली जाके, जो घनसाली मेन मार्केट है वहाँ पे भी जाके हमें रजिस्ट्रेशन, जो मेन रजिस्ट्रेशन होती है वहाँ पे ही जाके होगी। तो काफ़ी कुछ काम करना है और क्योंकि सैटरडे संडे आया तो घनसाली तो मैं जा नहीं पाऊँगा, पर गुत्तू जा सकते हैं, तो आज गुत्तू वाला काम आज करना है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो आज का दिन काफ़ी बिज़ी रहने वाला है, तो देखते हैं कैसे होता है। पहले फ्रेश हो जाते हैं। तो सुबह का टेम्परेचर मैं आपको बता देता हूँ, अभी 11 डिग्री है, काफ़ी ज़्यादा ठंड हो रही है और मैं तो ऐसे ही घूम रहा हूँ विदाउट जैकेट क्योंकि मुझे ठंड बहुत पसंद है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कितनी भी ठंड हो, मुझे बहुत मज़ा आता है। चाय पी लेंगे सुबह की। तो गाइस ये आ गई है हमारी सुबह की चाय और गुड़। तो इस व्यू के साथ इन्जॉय करते हैं अपने चाय को। तो गाइस सारे बच्चे चले गए हैं स्कूल, चाची लोगों ने कर दिया है काम शुरू और आज मम्मी बनाने वाली है खाना। तो मम्मी क्या बनाने वाली है आपको थोड़ी देर में बता देता हूँ मैं। वैसे ब्रेकफास्ट बनने वाला है, ब्रेकफास्ट बन गया आज का ब्रेकफास्ट स्पेशल होने वाला है। आज बहुत सिंपल खाना होगा, चटनी और रोटी खाएंगे हम लोग। तो चटनी कल की बहुत बढ़िया बनी थी, तो चाची से हमने कहा कि वही चटनी दोबारा बनाने के लिए। तो आज खाएंगे ब्रेकफास्ट में चटनी रोटी और थोड़ा सा दूध पियेंगे। तो गाइस देखिए ये है पहाड़ों का सुबह का नाश्ता, चटनी और ताज़े भैंस के दूध की मलाई और रोटी। तो ये है मेरा आज का ब्रेकफास्ट, फटाफट इसको फिनिश कर देते हैं। तो गाइस अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं और मैंने एक पावर नैप लिया, मुझे बहुत ज़ोर की नींद आ रही थी, तो मैं जस्ट कम्बल ओढ़ के सो गया। लिटरली इतनी अच्छी नींद आई ना मुझे। तो अभी 2 बज रहे हैं तो कुछ लंच कर लेते हैं। लंच मम्मी ने कुछ बनाया है, मैं आपको बताता हूँ मम्मी ने क्या बनाया आज। तो गाइस मम्मी ने बनाया है कड़ी चावल, गांव के मट्ठे, गांव का क्या बोलते हैं दही के साथ। तो चाची भी खाना खा रही है मेरे साथ और सुष्मिता भी खाना खा रही है, सुमित भी आ जाएगा। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं अपने सारे खेतों को देखने के लिए और जहाँ पे रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है खास करके वहाँ पे देखने के लिए, बिकॉज वहाँ पे लोगों ने अपनी सन भी बना रखी है, तो जो कि ठीक नहीं है क्योंकि वो हमारी प्राइवेट जगह है। तो एक बार इस जगह का मुआयना कर लेंगे और आपको भी दिखा दूंगा आसपास के नज़ारे। चाची ऐसा कह रही है कि ये वाला जो खेत है नीचे वाला, वो आधा उनका है आधा हमारा है, और ऐसे कई सारे खेत हैं और यहाँ से भी रास्ता भी जा रहा है। तो काफ़ी लोग ट्राई कर रहे हैं कि उनकी जगह जितनी हो सके उतनी मारी जाए, बिकॉज रोड आ रही है तो यू नो फ्यूचर में वो दुकान बना सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। बट इसीलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे चक्कर मारने आया, देखने आया कि भाई हमारी खेत एक्चुअली में है कितनी, ताकि नक्शा, वैसे तो हमारे पास मैप्स होते हैं अपने अपनी ज़मीन के और वो तो हम लोग मुआयना करेंगे ही, पर एक बार फिज़िकली देख के क्या होता है आइडिया मिल जाता है कि भाई हाँ हमारे पूर्वजों ने ये सारे खेते, जो ये सारी जो ज़मीनें हैं
वो हमारे लिए ली थी। देखो ये वो वही जगह है जहाँ से पूरी पत्थर पूरी चट्टान गिर के आई थी, जिससे हमारा ये पूरा जमीन जो है वो खराब कर दिया, वहां से ऊपर से टूट के आया। गाइस मेरी मम्मी रोडीज बन रही है, यहाँ से जहाँ से वो चट्टान गिरी थी तो एक रास्ता बना था। आराम से माँ, आराम से चल, फिसलन है थोड़ी बट मम्मी एडजस्ट कर लेगी। मम्मा इधर से जाते, इधर से जाते, ठीक है पहले पहले इधर आ सीधा, नहीं तो यहाँ पे पूरा स्लाइडिंग करके जाएंगे अपन। तो देखो गाइस ये है वो चट्टान जो इतने ऊपर से गिरी, बाप रे क्या साइज है उसका। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं मेरे एक चाचा के घर पे, और बुढ़ जी प्रणाम, सब बढ़िया। ऐसे सब मिलते रहते हैं हमको जब भी हम गांव के बीच से जाते हैं। ये वही रास्ता है जो अगर हम पैदल जाते थे तो यही रास्ता पकड़ के हम घुत्तू जाते थे, और सड़क वो साइड है तो आप देख सकते हो कितना डिफरेंस है। तो यहाँ पे है चतुर चाचा का घर, और ये है वो रास्ता जो घुत्तू की तरफ जाता है, और वहाँ पे है जो नई सड़क बनी हुई है, तो हमने ऐसी सीधा सीधा जाना है घुत्तू की तरफ। और आज तो हम लोग यहीं पे है चाचा लोग के घर पे। बुढ़ी जी प्रणाम, सब बढ़िया। तो ये आ गए हम चाची के घर पे, और ये है चाची के घर के यहाँ से नज़ारे। अच्छा ये मत्ती गवाना का गेट लग गया। तो ये है चाचा के घर के यहाँ से गांव का नज़ारा। अब तो हम लोग काफ़ी नीचे आ गए, और हमारा घर जो है वो काफ़ी ऊपर है, अब तो यहाँ से दिखेगा भी नहीं। हमको दिखा देता हूँ, ऐसे सामने जो ब्लू कलर का घर दिख रहा है वहाँ ऊपर मेरा घर है। तो चाचा लोग काफ़ी, तो चाचा लोग पहले हमारे साथ ही रहते थे हमारे ऊपर वाले घर के यहाँ पे लाइन से, ये हमारे परिवार वाले ही हैं, बट उन्होंने फिर डिसाइड किया कि वो लोग यहाँ नीचे शिफ्ट हो जाएंगे, बिकॉज ऊँचाई पर थोड़ा इनकन्वीनियंट फील होता है बहुत लोगों को इतनी चढ़ाई चढ़ने के लिए। तो कुछ लोगों ने डिसाइड किया कि यहाँ पे नीचे शिफ्ट हो जाएंगे। अभी तो हम लोग ऊपर ही हैं और दो तीन परिवार ऊपर है, बाकी सारे परिवार नीचे शिफ्ट हो गए। तो गाइस बाहर काफ़ी ठंडी हो रही है, तो यहाँ पे हमने चूल्हा जला लिया है और यहाँ पे आग सेक रहे हैं सब लोग मिलके बैठ के, और यहीं पे बात कर रहे हैं सब लोग। चाचा पहले बॉम्बे रहते थे, पढ़ाई भी बॉम्बे की है चाचा ने, और मेरे मामा के साथ ही उन्होंने पढ़ाई की है, दिनेश मामा है ना। अभी तो अभी चाचा काफ़ी टाइम से गांव रह रहे हैं, और इन्होंने गांव में ही अपना सब कुछ सेटअप कर रखा है, तो बाहर काफ़ी ठंड है इसके लिए यहीं पे आग सेक के बातें कर रहे हैं, सारी पुरानी यादें है ना। तो गाइस अभी हम लोग, जैसे कि आपको पता है, हम चाचा के घर पे हूँ, और यहाँ से तो और भी ज़्यादा अंधेरा लग रहा है क्योंकि यहाँ पर सीधा खेत है, पूरा खेत है सामने, कोई गाँव वाँव नहीं, कोई घर नहीं है, फिर सीधा दूसरा गाँव स्टार्ट होता है और फिर यहाँ से दूसरे गाँव दिखते हैं। तो जितने भी गांव है, जितने भी घर है, वो सारे ऊपर है। तो आज के दिन हम लोग यहीं पे रहेंगे, कल सुबह हम लोग कहीं जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं वो मैं आपको कल सुबह ही बताऊंगा, और बहुत ही हैपनिंग जगह है वो, और उसके बारे में जो भी जितनी भी चीज़ें हैं वो मैं आपको कल ही बताऊंगा। तो अभी फ़िलहाल तो हम लोग डिनर करेंगे और डिनर खा के सो जाएंगे, कल सुबह जल्दी उठना है, मिलते हैं कल सुबह। हे गाइस गुड मॉर्निंग, तो अभी हम जो सो के उठ चुके हैं और सुबह के बज रहे हैं 7, मैं आपको बाहर का नज़ारा दिखा देता हूँ चाची के घर से। तो गाइस ये है गांव का नज़ारा नीचे की तरफ से, पूरा खेतों से भरा हुआ, और यहाँ से आपको गाँव का नज़ारा नहीं दिखेगा, गाँव का नज़ारा गाँव सब ऊपर चले गए। तो अभी हम लोग फटाफट से फ्रेश हो जाएंगे, नाश्ता कर लेंगे, और सब लोग निकलने वाले हैं घूमने के लिए। जहाँ हम लोग जाने वाले हैं मैं आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूँ कहाँ हम लोग जा रहे हैं, तो मिलते हैं थोड़ी देर में। तो गाइस ये है मेरे सुबह का नाश्ता, नाश्ते में बनाया है नमकीन पराठे, थोड़ा सा अचार, चाय और पास्ता। तो फटाफट नाश्ता कर लेते हैं,
और फिर निकलते हैं घूमने के लिए। तो गाइस जाने के लिए हमने मेरे चाचा के दुकान से कुछ सामान उठा लिया स्नैक्स रास्ते के लिए, और थोड़ी देर में हम निकल रहे हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ हम लोग जहाँ जा रहे हैं उस गांव का नाम है गंगी, टिहरी गढ़वाल का लास्ट गांव है, उसके बाद चाइना बॉर्डर स्टार्ट होता है। तो काफ़ी एक्साइटेड होते हैं लोग वहाँ पे जाने के लिए, खास करके क्योंकि वो आखिरी गांव है और कहा जाता है कि वो काफ़ी सुंदर है। और ये जो नदी है भिलंगना नदी, मैं आपको दिखाऊँगा रास्ते में, वो जो हमारी तरफ आती है वो गंगी से ही स्टार्ट होती है। तो वहाँ से आपको खतलिंग ग्लेशियर और काफ़ी सारे जो ट्रैक्स होते हैं, फेमस ट्रैक्स हैं, वो वहीं से स्टार्ट होते हैं। तो बस हम थोड़ी देर में निकलने वाले हैं। तो गाइस फाइनली हम लोग रेडी हो चुके हैं और वहाँ रोड में चाचा की गाड़ी पार्क्ड है सामने, तो बस हम लोग निकलने ही वाले हैं। और आज मैंने पहाड़ी फ्यूजन बुटीक से जो मुझे टी शर्ट मिली थी वही मैंने पहना है, और आप देख सकते हो यहाँ पे सारे उत्तराखंड की फेमस चीज़ों का प्रिंट है। तो इसी तरीके से सारी कस्टमाइज और बीस्पोक टी शर्ट्स मिलते हैं वहाँ से, उत्तराखंड से रिलेटेड। अगर आपको भी ऐसी टी शर्ट चाहिए, सारी डिटेल्स आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मेरे चाची लोग भी रेडी हो चुके हैं, आप देख सकते हैं ऐसे सज धज के रेडी, हाँ जैसे एकदम शादी वाले वाइब्स दे रही है चाची। फोटो ले ले हमारा तीनों का। फोटो नहीं, पहले देखो आप लोग जा रहे हो ना आज घूमने के लिए, एकदम रेडी है सब लोग। चलो और कुछ बन चापन और क्या बन बाबा चला था ताई पे बोलो ला। तो गाइस ये है हमारा गार्ड और आप देख सकते हैं, देखो चाची लोग भी आए गए हमारे पीछे से। और पहले यहाँ पे ना हम बच्चे लोग है ना नहाते थे, अब ना यहाँ पे पूरा पानी गंदा हो गया है। हम लोग गाड़ी के नज़दीक पहुँच चुके हैं, ये है हमारी गाड़ी जिसमें हम 10 लोग जाने वाले हैं, और मेरे ख्याल से इंजन गर्म कर रहे हैं चाचा। और अभी तो हम लोग 5 लोग आए हैं और 5 लोग आने वाले हैं, बहुत लोग अपने मेरी चाची लोग जो ऊपर रहते हैं हमारे घर के यहाँ पे, वो लोग भी आने वाले हैं, फिर कुछ लोग यहाँ से आने वाले हैं, तो ऐसे करके 10 लोग टोटल होने वाले हैं आज। गाइज यहाँ पे ना गाड़ी में किसी को भी पीछे नहीं बैठना है, क्योंकि पीछे की जो सीट होती है ना वो चक्कर देती है, ये देखो ऐसे बैठना पड़ता है। तो यहाँ पे ना ये वाली सीट पीछे वाले बहुत लोग अवॉइड करते हैं क्योंकि चक्कर आता है, बिकॉज बहुत मोड़ है ना पहाड़ों में, तो जो भी खाया ना पूरा बाहर आ जाएगा। मैंने तो अपनी सीट आगे की तरफ रिजर्व कर रखी चाचा के बगल में। अभी हम लोग यहाँ बीच में रुके हैं माता रानी का आशीर्वाद लेने के लिए। तो जब भी हम कहीं जाते हैं दूर, हम मेक श्योर करते हैं कि जितने भी देवी देवता आते हैं मंदिर आते हैं एक बार ही माथा टेक ले, ताकि हमारी उनसे हम परमिशन ले लेते हैं और प्रे करते हैं कि हमारी जर्नी सेफ हो और अच्छी हो। तो वहाँ पे हमारी गाड़ी पार्क्ड है, यहाँ पे हमने सारे श्रीफल फोड़ दिए और अब हम निकलते हैं गंगी की ओर। देखो यहाँ पे भी बुरांस लगे हुए हैं कोई कोई पेड़ों में, और वहाँ पे भी आप देख रहे होंगे लाल लाल चीज़ें दिख रही है, तो बेसिकली बुरांस का ही टाइम है ये, काफ़ी जगहों पे बुरांस लगा हुआ है। तो गाइस ये देखो यहाँ का नज़ारा, अभी हमने और ऊपर जाना है, और कितना किलोमीटर है चाचा यहाँ से? और 9 किलोमीटर जाना है हमने, और आसपास का नज़ारा देख लो यहाँ पे। अब आ गए हम री, और ये देखो ये है सारी आचली मात्रियों का मंदिर, और यहाँ पर है री का गांव। ये है री वालों का गांव। तो जैसा कि हमने कहा, जहाँ जहाँ पे मेन मंदिर आते हैं हमें वहाँ पे श्रीफल या कुछ चढ़ाना पड़ता है, जस्ट टू गिव रिस्पेक्ट, जो भी हमारे यहाँ पे देवी देवता है, डेटीज़ है, उनको एक हम रिस्पेक्ट देते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि हमारी जर्नी आगे सफल हो। तो ये देखिए वहाँ से जा रही है भिलंगना नदी। तो आप लोग देख सकते हो कितनी ऊंचाई पर हम लोग, भिलंगना नदी ऐसी लग रही है जैसे छोटी सी होगी, और ये यहाँ पे देखो घने जंगल, इतने घने जंगल है ना ये। चाचा जी बोल रहे थे कि यहीं से पवाली भी जाते हैं, यही रास्ते से जाते हैं पवाली की तरफ। चाचा बता रहे थे यहाँ से केदारनाथ भी पैदल है, एक हफ्ते का ट्रिप है टोटल, 60-65 किलोमीटर है यहाँ से।
यहाँ से अभी मेरे ख्याल से सिर्फ 2 किलोमीटर है, आप देख सकते हो सारे ग्लेशियर्स यहाँ पे इतने नजदीक नजदीक दिख रहे हैं, ऐसा लग रहा है बस एक लपाक मारेंगे और ग्लेशियर सामने आ जाएगा हमारे, इतने क्लोज है हम लोग ग्लेशियर से। और चाचा जी कह रहे हैं कि यहीं से पैदल यात्रा जाती है सारे ग्लेशियर से होते हुए केदारनाथ के लिए, 7 दिन का ट्रिप होता है टोटल, 7 दिन का ट्रिप होता है, अराउंड 65 to 75 किलोमीटर्स का रास्ता है हमारे गांव से लेके केदारनाथ तक के लिए, और यही ग्लेशियर से होते हुए केदारनाथ की तरफ जाते हैं। और जो घने घने जंगल आपको दिख रहे हैं, सारे वाइल्ड लाइफ जितने भी वाइल्ड लाइफ है वो ज़्यादा करके घने जंगल में रहते हैं, और चाचा जी के हिसाब से यहाँ पे जो टाइगर्स होते हैं वो 11 हाथ लंबे होते हैं, और वो काफ़ी कम है, यानी कि हार्डली चाचा बोल रहे थे 6 या 7 होंगे, है ना, 6 या 7 टाइगर्स होंगे, और बाकी बहुत सारे लेपर्ड्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, तो वो ज़्यादा के घने जंगल में मिलते हैं। पर अभी जैसे हम लोग पहुँचने वाले हैं गंगी, तो गंगी से ये व्यू है ना और भी ज़्यादा क्लोज हो जाएगा। तो यहाँ से 2 ट्रैक जाती है, एक खतलिंग ग्लेशियर की तरफ और एक शास्त्र ताल, तो 2 ट्रैक जाती है यहाँ पे, और तीसरा ट्रैक जाता है केदारनाथ के लिए। तो गाइस फाइनली हम लोग गंगी गांव पहुँच ही गए हैं, यहाँ पे बोर्ड लग चुका है गंगी गांव का, और आप देख सकते हो आसपास का नज़ारा, ग्लेशियर सारे अपने एकदम नज़दीक नज़दीक है, ये देखिए सारे ग्लेशियर जो है ना, खतलिंग ग्लेशियर हो गया, ठीक है, फिर और एक कौन सा था, सहस्त्रताल, खतलिंग ग्लेशियर और केदारनाथ के लिए रास्ता यहीं से जाता है, ये है नॉर्थ साइड, ये है ईस्ट साइड, ये है वेस्ट साइड, और ये है साउथ साइड। तो चाचा बोल रहे थे जब यहाँ पे धूप कम गिरती है क्योंकि ये वेस्ट साइड पे आता है, तो इसीलिए बर्फ़ यहाँ पे ज़्यादा जमी हुई है, ईस्ट साइड की तरफ है ना बर्फ़ पूरी पिघल चुकी है। हाँ, सबसे ज्यादा यहाँ पे आलू की खेती होती है गंगी में, गेहूँ कुछ नहीं होता यहाँ, आलू आलू और राजमा, राजमा कितने आलू लगा, अब मट्टी कैसी है, जैसी रेत जैसी प्लेन मट्टी भाई। और यहाँ पे गंगी में ज्यादा करके लोग गाय भैंस से ज्यादा भेड़ बकरी पालते हैं, और खेती में ये लोग सबसे ज्यादा आलू और राजमा ही उगाते हैं। तो मेरे ख्याल से चाचा अभी उधर ही करेंगे ना पार्क गाड़ी, चाचा अपना गाड़ी वहीं पे पार्क कर देंगे, गांव तो यहाँ पे आ ही गया है। सहस्त्रताल, खतलिंग और केदारनाथ के लिए यही है, सामने से रास्ता है, ये देखो आलू की खेती सामने हो रही है। कैसा लग रहा तुझे, कैसा लग रहा है, बहुत बढ़िया, इसका बहुत सुष्मिता का बहुत ज़्यादा ख्वाहिश था कि गंगी घूम के आना है, फर्स्ट टाइम आ रही ना तू भी मेरे साथ, मैं भी फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ, सुष्मिता भी फर्स्ट टाइम आ रही है, और मेरी मम्मी भी फर्स्ट टाइम आ रही है, बाकी सब लोग एक एक बार आ चुके हैं। चाचा ने वहाँ पे गाड़ी पार्क कर दी है, आप आए अचन पहली, आप आए हो पहले, कौन कौन आया पहले, आप भी आए छन पहली पहली आया, अच्छा शास्त्र ताल से जाए आप, अच्छा हेलो तुम्हारा नोकिया ची, अरे छुप गए लोग शर्मा के, तुम्हारा नोकिया ची, चॉकलेट खानन मिठाई खानन दे तो ले मिठाई खावा, नौ क्या ची बीज ना, और ते नौ क्या ची ते भी देवा मिठाई, अला लुकनू किची ते बो लुकनू किची बुन। हमारे गांव में घर के बीच में बहुत ज्यादा गैप होता है खेतों के, जैसे यहाँ पे गलियां बहुत है, जैसे मुंबई की गली है चौल जैसे लग रहा है, एकदम नजदीक नजदीक रहते हैं यहाँ पे लोग, मिट्टी के घर है ना यहाँ पे अभी भी पुराने पुराने,
और घर यहाँ पे बहुत हाइट में छोटे होते हैं। हाइट में घर यहाँ पे काफी छोटे होते हैं ताकि घर में ना गर्मी ज्यादा रहे, ज्यादा हवा ना आए अंदर, इसलिए हाइट में छोटे रखते हैं यहाँ पे घर। और जब यहाँ पे बर्फ पड़ती है तब बहुत ज्यादा हाइट होता है बर्फ का, मतलब बहुत ज्यादा बर्फ गिरती है यहाँ पे। अभी यहाँ पे सब दीवार में प्लास्टर कर रहे, टचअप कर रहे मिट्टी से। प्रणाम प्रणाम। वहां पे देखो वो अखरोट निकाल रहे। और यहाँ पे मेरे ख्याल से इस पानी में लोग अपना कपड़ा अपड़ा धोते हैं, छोटा सा गदरा। ये है सोमेश्वर देवता का मंदिर। यहाँ पे तो जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे दीवार है, चाचा ने मुझे अभी जस्ट नोटिस करवाया कि यहाँ पे पत्थर लकड़ी ऐसे लेयर करके इस मंदिर को बनाया गया है। और ये मेरे ख्याल से सोमेश्वर देवता के ये है क्या, वाहन है क्या, भेड़ उनके वाहन है मेरे ख्याल से। तो ये उनके वाहन है सोमेश्वर देवता के। अभी तो पट बंद है क्योंकि टाइम हो चुका है। तो सोमेश्वर देवता का दर्शन करके अब हम जा रहे हैं गांव के और नज़ारे देखने। यहाँ पे आपको आलू की खेती जगह जगह पे मिलेगी। यहाँ की मिट्टी है ना थोड़ी रेत के टेक्सचर की है, आप देख सकते हो। ज़्यादा यहाँ पे आलू और राजमा बहुत ज़्यादा होते हैं। और यहाँ पे गाय भैंस ज़्यादा, भेड़ बकरी ज़्यादा चलाते हैं यहाँ पे। देखो यहाँ पे सारे घर जो है वो बहुत काफी पुराने घर है। हाँ, ये जो खम्भे है ना, इसको पुराने जमाने पे लोग हाथ से बनाते थे। हमारा जो पुराना कूड़ा है ना उसमें भी ऐसी हैंडक्राफ्ट किया हुआ है। गाइस ये है घर के बाहर का व्यू। अभी यहाँ से जो आप सामने ग्लेशियर दिख रहे हैं वो और भी ज़्यादा बर्फ़ से ढका हुआ है सामने, वो इस ग्लेशियर से भी ज़्यादा ढका हुआ है। तो मतलब ये और ऊंचाई पे है, सारे खतलिंग ग्लेशियर के नज़ारे हैं ये। तो अभी तो यहाँ पर रोड बन गई है और रोड से हमारे यहाँ से यहाँ पे आने के लिए हमें 2 घंटे लगे। और रोड बनने से पहले मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि यहाँ के लोगों की स्ट्रगल कैसी रही होगी, क्योंकि 2 घंटे से भी ज़्यादा चलना है यहाँ से लेके गुत्तू तक। 4 घंटा चलना है। मतलब रोड बनने के बाद काफ़ी कन्वीनियंट हो गया यहाँ के लोगों के लिए काफ़ी हद तक। उसके बाद तो लाइफ बहुत स्ट्रगल रही होगी यहाँ के लोगों के लिए। अगर आप देख पा रहे होंगे तो इससे सबसे लास्ट पहाड़ है, लास्ट पर्वत है वहाँ सबसे लास्ट। वहाँ से बिलंगा नदी का स्टार्ट है, स्टार्ट पॉइंट है, उसको पॉइंट जीरो पॉइंट कहते हैं ऐसे। और वहीं आगे से कहीं चाइना का बॉर्डर भी स्टार्ट होता है। तो अगर वहाँ पे आपको जाना हो तो आपको पासपोर्ट चाहिए होता है। और बिलंगना नदी वहीं से स्टार्ट होती है बेसिकली, और गंगा में जाके मिल जाती है फिर आगे जाके। ये देखो गाइस अभी हम लोग थोड़े गाँव के ऊपर आ गए। यहाँ पे घन्याला देवता का मंदिर है। और यहाँ पे देखो खेती है ना जगह जगह पे, कहीं पे भी आपको धान नहीं मिलेगा, आलू ही आलू मिलेंगे। आलू की खेती यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे आलू काफ़ी, हाँ हाँ बना रहा हूँ मैं। आ जा आराम से। अरे मम्मी उधर से आ, उधर से घूम के आ। चाची घूमे क्या हो, पिछले की ना तू तो?
वैसे गांव काफी सुंदर है, काफी ज्यादा। मैं तो इस ग्लेशियर के नज़ारे को देख के पागल हो गया हूँ। मुझे बहुत पसंद है ग्लेशियर, स्नो, बर्फ। गाइस यहाँ पे सबको भूख लग गई है तो सब बैठ गए स्नैकिंग करने। अपने अपने हाथ में सबने एक एक ले लिया है, जिसको जो जो पसंद है। चलो भाई बैठो वहाँ पे। कहाँ बैठ रहे हो? वहाँ पे पिकनिक मनाएंगे। पिकनिक मनाना था कहीं गंगी पिकनिक मनानी बिरयानी एतवार बैठ तू। दाल चावल तो मैं खाई थी। अरे वो पता नहीं, वो कुरमुरा है वो। ना ना खाओ खाओ खाओ, ये मैं ही खाऊंगा। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ सब लोग। तो देखो यहाँ पे सब लोग बैठे हैं पिकनिक मनाने के लिए, अपने हाथ में एक एक स्नैक्स उठा के। तो कौन क्या क्या खा रहा है भाई? कोई पॉपकॉर्न खा रहा है, कोई पप्स खा रहा है। मैं तो साकली बार में खा ले, पैकेट बताए साकलो। फोटो लेना हमारी उधर से। तो गाइस यहाँ पे देखो एक एजेड आदमी है बेचारे, उनका एज होगा आराम से 60 प्लस होंगे बेचारे। इतना भार लेके वो वहाँ ऊपर से आया है। तो पहाड़ में लाइफ है ना इजी नहीं है बिल्कुल भी, किसी के लिए भी। सर्वाइव करना है तो आपको यहाँ पे मेहनत करनी ही पड़ती है, और ये उम्र में भी उनको इतनी मेहनत करनी है। तो हैट्स ऑफ ऐसे यहाँ के लोगों के लिए। आवा रुका ना, आवा आवा नेचुरली चला। आ गए हम घूम के, आ गए हम इधर। तो ये मुझे बताया जा रहा है कि ये जो लकड़े का बना हुआ है, इससे पहले कंबल धोते थे। पता नहीं कैसे धोते थे, ऊन के कंबल धुआ जाता था इसे। तो पता चे कन धुआना नहीं है काम लो पता चे। अच्छा हमारी भाषा नहीं, हिंदी है, हिंदी है जानती गढ़वा है जानती गढ़वा भी नहीं गाइस। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ के छोटे छोटे घर। ये देखो यहाँ पे ना कमरे इतने छोटे छोटे हैं। घर तो बड़ा बड़ा है। ये देखो काफी छोटे, झुक के जाना पड़ता है भाई यहाँ पे। ये पुराना ये मिकल तब काफी पुराना है ये। तो ये काफी पुराना मकान है मेरे को लगता है। और मैंने जैसे कहा था यहाँ के घर है ना काफी छोटे छोटे होते हैं हाइट में, क्योंकि जितने छोटे हाइट उतना ठंडा हवा कम आता है अंदर। ठंडी से बचने के लिए बेसिकली लोग छोटे छोटे घर बनाते थे। तो अभी भी ऐसे छोटे छोटे घर है, लोग रहते नहीं है, उन्होंने रखा हुआ है यादों के लिए। तो यहाँ पे सब लोग अपना अपना फोटो शूट कर रहे हमारे गांव में इतने छोटे छोटे घर नहीं होते ना, तो लोग ऐसे बहुत ज़्यादा फैसिनेट हो गए हैं और अपना अपना एक एक पोज कर रहे हैं सब लोग। गाइस देखो ये घर कितने पुराने हैं, और अब तो उन्होंने आराम से 100 साल तो पुराना हो गई ये घर। उफ हाँ, ये पहले चाचा बराबर बोल रहे हैं, ये ना हमारे पुराने घोड़े पे भी आप देखोगे ये लकड़ी में ये जितने भी क्राफ्ट्स किए हुए हैं ना, डिज़ाइन बनाए हुए, ये हाथों से किए हुए, कुछ मशीन कुछ यूज़ नहीं किया हुआ है। तो पुराने लोग पहले ऐसे ही करते थे। हमारे तिबारी में तो मैं आपको दिखाऊंगा, वहाँ पे तो गणेश जी बने हुए हैं। तो देखो वहाँ पे उन्होंने भेरा का एक शेप डाला है ना। हाँ वो सोमेश्वर देवता को नचाते हैं ना, तो उनका यही निशानी है मुझे ऐसा लग रहा है। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं बंगला देखने। बंगला बेसिकली टूरिस्ट के लिए होता है, जो उत्तराखंड के टूरिज्म यूनिट ने बनाया है। जो भी टूरिस्ट आते हैं गंगे घूमने के लिए, उन लोगों के लिए रहने का प्रबंध यहाँ पे किया गया है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पे है ये बंगला। तो गाइस ये है वो बंगलो
जो टूरिस्ट के लिए बनाए गए थे, बट चाचा अभी कह रहे हैं कि ये बंद हो चुका है बिकॉज यहाँ पे टूरिस्ट आते नहीं है। आगे और गांव है? गांव नहीं, ये गांव छोटा जो 10-12 परिवार है। लास्ट गांव तो यही है ना, मतलब मेन गांव इनका ये है। गर्मी सर्दियों के टाइम मेरे दूंगा। अच्छा, जब बर्फ वगैरह गिरती है ना तब जाते हूँ। अच्छा, देखो वहाँ पे ना पहले मुझे सारे ग्लेशियर्स दिख रहे थे, अभी ना वहाँ पे कोहरा सा छाया हुआ है तो कुछ दिख नहीं रहा है। तो अंदर की तरफ देखिए, यहाँ पे सब कुछ अभी टूटा फूटा है, कुछ तो दिख नहीं रहा है यहाँ पे मुझको। बट वो साइड पे मुझे 2-3 बेड्स भी दिखे हैं, पर फुल्ली फर्निश्ड नहीं है, बेड्स रखे हुए, गद्दे वद्दे नहीं है। मतलब मुझे भी नहीं पता है लोग रहते कैसे होंगे, मतलब आई हैव नो आइडिया। मैं अगर मेरे को लाइव होता तो मैं आपको दिखा पाता, बट रहने की सुविधा है। मेरे ख्याल से टूरिस्ट जब आएंगे इसके बाद ही ये लोग गद्दे वद्दे लेके आएंगे। देखो यहाँ पे बेड्स दिख रहे हैं और गद्दे भी हैं, बट हालत काफ़ी गंदी है उनकी। तो मेरे ख्याल से जनरेटर भी दिख रहा है मेरे को वहाँ पर लाइट्स के लिए। तो यहाँ पर जो टूरिस्ट हैं लॉकडाउन के टाइम से, मतलब ये बंगले को बंद कर रखा है, और टूरिस्ट अगर आते हैं तो वो पेइंग गेस्ट की तरह, जैसे हम गांव वालों के घर गए अभी चाय पीने के लिए, वैसे ही रहते हैं पेइंग गेस्ट बोल के, पे करके वहां पे रहते हैं उनके घर पे। ये काफ़ी टाइम से बंद हो रखा है क्योंकि यहां पे ठेका लेना पड़ता है, यानी कि कोई एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन से। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे यहाँ पर ठेका लेना है, यानी कि मैं यहाँ का 5 साल के लिए मुझको ये पूरा एरिया दिया जाएगा और बोला जाएगा कि यहाँ के पूरा तामझाम मुझे करना है, साफ़ सफाई से लेकर गद्दे वद्दे मेंटेन करना सब कुछ, बट मुझे उस तरीके का रिटर्न भी चाहिए। तो इसीलिए काफ़ी लोग यहाँ पे कुछ भी करने के लिए रेडी नहीं है बिकॉज रिटर्न्स नहीं आ रहे, यानी कि टूरिस्ट मेरे ख्याल से बहुत कम आ रहे, जिसकी वजह से काफ़ी लोग तैयार नहीं है इसको मेंटेन करने के लिए। तो सारे तीर्थों में सहस्त्रताल को हम लोग काफ़ी पवित्र मानते हैं, क्योंकि सहस्त्र यानी कि बहुत सारी नदियाँ, जितने भी पवित्र नदियाँ हैं वो उस ताल में सब मिल जाती हैं। तो हमारे जितने भी देवी देवता हैं वो वहाँ पे नहाते हैं सहस्त्र ताल में। तो सहस्त्र ताल बहुत होली है, बहुत स्पिरिचुअल प्लेस है हमारे लिए और बहुत सीक्रेट प्लेस है हमारे लिए। तो बहुत लोग आजकल टूरिस्ट लोग वहाँ पे ट्रैक करने जाते हैं सहस्त्र ताल की, बट हम लोग पूजा करने जाते हैं बेसिकली वहाँ पे। तो गाइस अभी टाइम आ गया है लंच करने का और अभी दोपहर के 1 बज रहे हैं। तो यहाँ पे 2 फैमिलीज़ हैं जहाँ जिनसे चतुर चाचा ऑलरेडी मिल चुके हैं, तो वो जानते चतुर चाचा को, मेरे चाचा को। तो उन्होंने कहा है कि लंच वो लोग हमें कराएंगे। तो यहाँ के लोग काफ़ी फ्रेंडली है, यू नो आपको बहुत अच्छे से आपको ग्रीट करेंगे, मेहमान नवाजी करेंगे। देखो उन्होंने सामने से हमको इनवाइट किया है खाना खाने के लिए, और ऐसा नहीं है कि वो लोग चार्ज करेंगे या कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको लगता भी है कि आपको देना चाहिए अपने मन से तो आप दे सकते हो, वैसा वो आपको सामने से कुछ नहीं बोलेंगे कि हमारा इतना चार्ज हुआ या ऐसा कुछ। सो काफ़ी अच्छा गांव है वैसे ये टूरिस्ट के लिए खास करके। तो लंच में हमें मिला है राजमा चावल, मम्मी ने अपना लंच स्टार्ट कर दिया है। मेरा तो मन नहीं है क्योंकि मैंने ब्रेकफास्ट बहुत हैवी कर लिया था, मैंने 4 पराठे पास्ता, तो इसके जैसे मेरे को लग रहा थोड़ा हैवी है। हाँ, मेरे को अभी ज़रूरत नहीं लग रही लंच करने की, घर पहुँच के देखता हूँ कुछ मिल गया तो खा लूँगा। तो यहाँ पर सब लोग बैठे हैं लंच करने के लिए, और यहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली है आपको खाने के लिए, हमेशा इनवाइट करेंगे, चाय के लिए इनवाइट करेंगे, खाने के लिए इनवाइट करेंगे। और आप यहाँ पे एज अ पेइंग गेस्ट भी रह सकते हो, यहाँ पर कुछ दिक्कत नहीं होती है, लोग काफ़ी फ्रेंडली है यहाँ पे। तो चलो थैंक यू सो मच, थैंक यू, धन्यवाद। तो सबका लंच हो चुका है, अब हम जाएंगे अपनी गाड़ी की तरफ और निकल जाएंगे अपने घर की ओर। काफ़ी मज़ा आया गंगी में। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं घर पे और काफ़ी मज़ा आया, सच बताओ तो काफ़ी तमन्ना थी जानने की कि हमारे टिहरी गढ़वाल या उत्तराखंड का आखिरी गाँव कौन सा है। तो ये है आखिरी गाँव हमारे टिहरी गढ़वाल का, यहाँ से इसके बाद थोड़े दूर नहीं बहुत दूर बाद कुछ पहाड़ छोड़ के चाइनीज़ बॉर्डर स्टार्ट हो जाता है। लोग काफ़ी यहाँ पे अच्छे हैं, बच्चे बहुत सारे हैं यहाँ पे, बड़े क्यूट क्यूट बच्चे हैं,
और इनकी भाषा हमारे साइड से थोड़ी सी अलग है, जो कि नहीं होनी चाहिए थी, बट पता नहीं क्यों यहाँ पे हल्का सा डायलेक्ट चेंज हो गया मुझे ऐसा लग रहा है। बट ओवरऑल मज़ा आया, यहाँ पे लोग बड़े ही फ्रेंडली है, आपको इनवाइट करेंगे खुद से कि आओ खाना खा लो, और पैसे भी नहीं मांगेंगे, बट अगर आपके पास अगर आप देना चाहो तो आप दे सकते हो, आई एम श्योर वो मना ही करेंगे, बट आप कुछ दे देना उनको। तो आज का व्लॉग मैं यहीं पर एंड करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, मिलता हूँ अपने अगले व्लॉग पे, तब तक के लिए सी या।